हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है। अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर भी फुल वेव रेक्टिफायर का ही टाइप है, जिसमें हम यहाँ पे ब्रिज का यूज करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में दो डायोड का यूज होगा और एक ट्रांसफार्मर का यूज होगा जो सेंटर टैप्ड होगा। इसका मतलब ये है, सेंटर टैपिंग से मतलब ये है कि इसकी जो सेकेंडरी कॉयल होगी, सेकेंडरी कॉयल की वाइंडिंग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो इसलिए इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर बोला जाता है। दोनों ही रेक्टिफायर या फुल वेव के लिए, मींस एसी साइकिल की कंप्लीट वेव, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मींस दोनों के लिए वेवफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। आज का जो डिस्कशन है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर के बेसिस पे होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर लिया है हमने और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी प्लस माइनस जो भी हम वी आई इनपुट सिग्नल यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर की होगी उस सेकेंडरी को सेंटर टैपिंग किया जाएगा और सेंटर टैपिंग पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो एक डायोड यहाँ कनेक्ट होगा और एक डायोड यहाँ कनेक्ट होगा। इस तरह से ये डायोड कनेक्ट होंगे और इसके बीच में जहां सेंटर टैपिंग होगी, सेंटर होगा, वहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसे हम लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं यहां पे। तो ये डायोड D1, ये डायोड D2। अब अगर इसकी वर्किंग को समझना है तो सबसे पहले देखें कि हम इनपुट वेवफॉर्म्स इस तरह से अप्लाई की जा रही है, VI इस तरह से इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई की जा रही है। तो यहाँ देखें, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म का आएगा, मैं इनपुट वेवफॉर्म के करस्पोंडिंग वेवफॉर्म बना देता हूँ, तो यहाँ पे सेपरेटली बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो इनपुट वेवफॉर्म ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है और थोड़ा सा आगे तक खींच देते हैं इसे। तो इनपुट वेवफॉर्म, तो यहाँ पे मैं इनपुट वेवफॉर्म्स ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी के साथ साथ करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ करूंगा और देखेंगे कि इनपुट के साथ साथ आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है दोनों हाफ साइकिल के लिए। तो ये यहाँ देखेंगे, मैं इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी मैपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैपिंग करके देखेंगे हम कि कैसे इनपुट के साथ साथ आउटपुट मूव करेगा, वेरी करेगा। तो ये इनपुट वेवफॉर्म के लिए VI और ये आउटपुट वेवफॉर्म जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी मुझे, हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से मिलेगी। अभी देखें यहाँ से, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेगा और इसकी पोलैरिटी इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस कंडीशन में ये वेवफॉर्म्स पॉजिटिव हाफ साइकिल की वेवफॉर्म इस तरह से यहाँ आएगी। तो जब पॉजिटिव वेवफॉर्म पी और एन, ये डायोड D1, ये उस समय फॉरवर्ड बायस रहेगा, दैट मींस कंडक्ट करेगा। लेकिन सिमिलरली देखें तो यहाँ पर नेगेटिव है, D2 के पी पार्ट पे नेगेटिव कनेक्ट कर रखा है, तो ये डायोड रिवर्स बायस रहेगा और कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये अगर कंडक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में करेंट आई फ्लो कराएगा और लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में जिस तरह की वेवफॉर्म्स आप इनपुट में अप्लाई करोगे उस तरह की वेवफॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये इस तरह से आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेवफॉर्म मिलेगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल रन करेगी तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पे जब डी टू डायोड डी टू के अक्रॉस पॉजिटिव वेवफॉर्म आएगी तब डायोड डी टू रन करेगा, और डायोड डी टू कंडक्ट करने के साथ साथ डायोड डी वन यहाँ पे कट ऑफ रीजन में रहेगा, दैट मीन्स ऑफ रहेगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो फिर से आपको लोड लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वेवफॉर्म मिलेगी और वो पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में मिलेगी। यहाँ पे भी मिल रही थी आपको प्लस माइनस, यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस मिल रही थी, तो ये आपको वेवफॉर्म इस तरह से मिलेगी। सिमिलर साइकिल विल रिपीट इन फर्दर साइकल्स, तो आपको इस तरह से वेवफॉर्म्स आगे साइकल्स में भी मिलती जाएगी। मींस आपको यहाँ पे प्लस और माइनस दो बाई डायरेक्शनल एसी थी, अब आपको यूनि डायरेक्शनल एसी मिलना स्टार्ट हो गई सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के कॉन्सेप्ट से। फुल वेव रेक्टिफायर अप्लाई करने से आपको वेवफॉर्म मिल गई। अगर यहां से देखें तो डी वन कंडक्ट कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये डी वन के कारण से है, और डी टू कंडक्ट कर रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल के से, तो ये डी टू के कारण आपको मिल रहा है। तो ये इस तरह से आपको फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट मिलेगा, और आपको फुल वेव के करस्पॉन्डिंग यूनि डायरेक्शनल एसी मिल जाएगी। जैसे हम यूनि डायरेक्शनल एसी का है तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शनल एसी अगर हम यहाँ पर बोल रहा है तो ये यूनि डायरेक्शनल एसी हो गया। एक ही डायरेक्शन में, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में एसी का मूवमेंट हो रहा है, मीन्स एसी सिग्नल तो है क्योंकि हर इंस्टेंट पे वैल्यू मूव कर रही है, हर इंस्टेंट पे वैल्यू डिफरेंट हो रही है। तो यहाँ पे एक ये है सेंटर टैपिंग हो गई ट्रांसफार्मर की, इसके कारण से वोल्टेज दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और दूसरा आपको वेवफॉर्म्स कंप्लीट वेवफॉर्म मिल रही है। तो ये यहाँ इस सर्किट की स्पेशलिटी है। अब कुछ एडवांटेज हैं इसके, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एक सिंपल सर्किट है, दो डायोड आपने यूज किया उसके बाद आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिल गया कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर की एक टिपिकल टास्क होती है जिसके लिए इस ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का एक डिसएडवांटेज है कि सेंटर टैपिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज, जब एक डायोड कंडक्ट करता है दूसरा डायोड रिवर्स वाइस में रहता है, तो दूसरा डायोड रिवर्स वाइस में रहता है तो यहाँ पे इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज मीन्स उसको जो वोल्टेज बियर करना पड़ता है वो 2V मैक्सिमम होता है। मीन्स डायोड की भी स्पेशलिटी है यहाँ पे कि डायोड भी जब हम परचेज करने जाएंगे तो उस डायोड को की जो पीक इनवर्स वोल्टेज है दैट शुड बी 2V मैक्सिमम। तो डायोड भी स्पेशल टाइप के डायोड हो गए, नॉर्मल डायोड से काम नहीं चला सकते, दैट मीन्स डबल वोल्टेज बियर करने वाले डायोड की जो हाफ वेव रेक्टिफायर में जहाँ पे केवल वी मैक्सिमम कैप वो पीक इनवर्स वोल्टेज होता था जब डायोड रिवर्स वायस होता था, यहाँ पर 2V मैक्सिमम वोल्टेज को बियर करने वाला डायोड रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है इसका। फिर इसके हम पैरामीटर्स ही देख रहे हैं तो पीक इनवर्स वोल्टेज, दूसरा पैरामीटर हम देखें तो डीसी आउटपुट वोल्टेज। अगर डीसी आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो बी डी सी दैट इज इक्वल टू आई डी सी इंटू आर एल एंड दैट इज इक्वल टू 2Y पाई आई मैक्सिमम इंटू आर एल। आई मैक्सिमम और आई एम लिख सकते हैं यहाँ पे, आई डी सी और आई एवरेज हो गया यहाँ पे, बी डी सी इक्वल टू आई डी सी और आई एवरेज लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे दूसरा डीसी आउटपुट वोल्टेज। तीसरा आरएमएस वैल्यू देखें आप, अगर करंट की आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो आरएमएस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं आई आरएमएस इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन √2। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आई आर एम एस अपॉन आई आई एम अपॉन √2। सिमिलरली अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर इस कैलकुलेट से, रेशो ऑफ दैट मीन्स के से डिफाइन करते हैं यहाँ पे फॉर्म फैक्टर को, के एफ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो के एफ इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट डिवाइडेड बाय
एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, तो ये फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, दैट मींस वी कैन से आई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई एवरेज, और आई आरएमएस हम जानते हैं आई आरएमएस की वैल्यू होती है आई एम बाय रूट टू, और आई एवरेज की वैल्यू टू आई एम बाय पाई, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जब कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी 1.11 आएगा। सिमिलरली पीक फैक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पीक फैक्टर के लिए केपी से डिफाइन करते हैं पीक फैक्टर। नेक्स्ट पैरामीटर ये था फोर्थ पैरामीटर और ये फिफ्थ पैरामीटर पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर केपी से डिफाइन करते हैं तो ये होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट मींस वी कैन से आईपी पीक वैल्यू ऑफ करंट, या फिर पीक पूरा लिख देता हूं डिवाइडेड बाय आई आरएमएस, और पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू आईएम, और ये आईएम बाय रूट टू, तो यहां पे आ गया पीक फैक्टर आ गया रूट टू या फिर 1.41, ये वैल्यू यहां पे पीक फैक्टर की आ गई। अगर हम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ईटा, मैं 6 फैक्टर नाम दे रहा हूं, 6.9 नाम दे रहा हूं, डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर, जो भी डीसी आउटपुट पावर कैलकुलेट होके आएगी और एसी इनपुट पावर जो भी हम प्रोवाइड करेंगे, जब इन दोनों का रेशो लेंगे तो इट विल कम इन परसेंट 81.2% आएगा, जो कि जहां पे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का कैलकुलेट किया था वो 40.6% आ रहा था, उसका डबल है, दैट मींस यहाँ रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। तो ये एडवांटेज है इसका फुल वेव रेक्टिफायर का इन कंपेरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ और एडवांटेज देखें तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी डबल हो रही है फुल वेव रेक्टिफायर की हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में। रिपल फैक्टर लो हो रहा है यहाँ पे, वहाँ रिपल फैक्टर 1.21 था, यहाँ रिपल फैक्टर 1.11 रह गया है। तो सिंपल फिल्टर का यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा आउटपुट वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर का जो ऑब्टेन होगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर से जाना, एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। बस ये डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक डायोड की जगह दो डायोड यूज किया जा रहा, दैट इज नॉट अ मच प्रॉब्लम। डायोड की कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हम फुल वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में फुल वेव रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं। बस मेजर प्रॉब्लम ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की बजाय हम ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ इसलिए मूव करते हैं कि यहाँ जो सेंटर टैपिंग है ट्रांसफॉर्मर की, ये सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर को कॉस्टली बना देता है, इसलिए हम यहाँ से आगे ब्रिज रेक्टिफायर पर मूव करते हैं। बट हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में फुल वेव रेक्टिफायर बहुत सारे एडवांटेज दिखाता है और उसी के कारण हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर को प्रेफर करते हैं। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूरा एनालिसिस था। थैंक यू।